गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने तीन ग्रुप कवर कर लिए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं, फिर हमने पढ़े थे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। ब्रांच का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है, जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को छोड़ के अगर हम दूसरी जगह जाके माइक्रो प्रोसेसर कोई प्रोग्राम या कोई इंस्ट्रक्शन को फेच करने लगता है तो उसे बोलते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, द ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस एल्टर द नॉर्मल सीक्वेंशियल फ्लो। कि नॉर्मल जो सीक्वेंस में फ्लो होता है, नॉर्मली क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिक वन से अपडेट होती रहती है, तो उसी सीक्वेंस में क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, नॉर्मल सीक्वेंस न फॉलो होती है बल्कि किसी और नॉर्मल सीक्वेंस को छोड़ के माइक्रो प्रोसेसर किसी अन्य लोकेशन से डेटा लाने लग जाता है, इंस्ट्रक्शंस लाने लग जाता है, तो उसको बोलेंगे कि हम ब्रांच परफॉर्म हो रही, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस एल्टर आइदर अनकंडीशनली और कंडीशनली। अब ये ब्रांच किस अकॉर्डिंग होते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, की किसी एक नॉर्मल सीक्वेंस को माइक्रो प्रोसेसर किस बेसिस पे दूसरी लोकेशन पे जाकर डेटा लाने लगता है, ये एक तो कंडीशन चेक करके जाते हैं या फिर विदाउट कोई कंडीशन ही दूसरे लोकेशन से डेटा लाने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट हम ब्रांचिंग में पढ़ेंगे जंप इंस्ट्रक्शन, JMP। जंप इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है JMP 16-bit एड्रेस। इसका मतलब है जंप अनकंडीशनली, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल सीक्वेंस में कोई प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ बीच का सीक्वेंस छोड़ के अगर हमें कोई दूसरी लोकेशन पे जाना है तो उस लोकेशन का एड्रेस हमेशा सप्लाई करना पड़ेगा कि हमें इस एड्रेस पे जाके जंप करना है। इसलिए ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में सभी में साथ में लोकेशन स्पेसिफाई की जाती है कि माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट किस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन फेच करेगा। जंप 16-bit एड्रेस, जंप अनकंडीशनली। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16-bit एड्रेस गिवन इन द ओपरेंड। कि ओपरेंड का जो 16-bit का एड्रेस दिया गया है उस लोकेशन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जंप 2034H। जंप में क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई एडिशन का प्रोग्राम चल रहा है, एडिशन विद कैरी है, प्रोग्राम कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा वो आ जाता है जंप JNC, जंप नो कैरी, या JC, जंप कैरी, तो ये होते हैं कि एक लोकेशन से माइक्रो प्रोसेसर, जहां से मान लीजिए एक प्रोग्राम चल रहा है और अभी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है 2050 लोकेशन पे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी लोकेशन से आएगा, 2051 से, यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2051। लेकिन अगर 2050 में हमें इंस्ट्रक्शन मिला है JMP 2034, इसका मतलब है जंप करना है 2034 लोकेशन पे, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो 2051 होने के बजाय अब नई लोकेशन हो जाएगी 2034, और उस लोकेशन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होने लग जाएंगे। जंप में हमेशा ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर एक बार सीक्वेंस छोड़ के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाता है, नेक्स्ट ब्रांच पे चला जाता है, तो कभी भी रिटर्न नहीं करता। यानी अगर प्रोग्राम चल रहा था 2050 पे, फिर 51 आना था, 52 आना था, और जंप करके 2034 पे चला गया है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम 2034 से ही फैच होने लगेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2034, 35, 36, यानी कभी भी अपनी नॉर्मल लोकेशन 2050, 51 पर वापस नहीं आता। जंप का मतलब ये होता है, जंप के साथ हमेशा 16-bit का एड्रेस दिया जाता है, तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, 3-byte का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब जंप दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कि कंडीशनल जंप, एक होता है अनकंडीशनल जंप। अभी जो हम पढ़ रहे हैं जंप 16-bit एड्रेस, ये एक अनकंडीशनल जंप है कि बिना कोई कंडीशन चेक करे जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आएगा जंप 2034, माइक्रो प्रोसेसर अपने नॉर्मल जहाँ पे प्रोग्राम कर रहा है उस लोकेशन को छोड़ के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2034 लोकेशन से फेच करेगा। ठीक है, यानी जंप कर जाएगा नॉर्मल सीक्वेंस को छोड़ के नई जगह पे विदाउट कोई कंडीशन, बस इस इंस्ट्रक्शन के आते ही। दूसरे होते हैं कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस। कंडीशनल में क्या होंगे, साथ में एक कंडीशन दी जाएगी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दूसरी लोकेशन पे जंप होएगा, यानी कंडीशन फुलफिल होने की कंडीशन में वो जंप होएगा, अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो जंप नहीं करेगा। जैसे देखिए नेक्स्ट जो होते हैं कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, वो देखिए JX 16-bit एड्रेस। X यहाँ पे हम फ्लैग्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग कंडीशन दी जाएगी, हमारे पास 5 फ्लैग होते हैं तो टोटल हमारे पास 10 कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये होगी तो यहाँ जंप करना है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो नहीं जंप करना है। JX 16-bit एड्रेस जंप कंडीशनली, कि
कि इस कंडीशन को चेक करके माइक्रो प्रोसेसर जो 16 बिट का एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की फेचिंग शुरू कर देगा. द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड फ्लैग ऑफ द PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. यानी लोअर बाइट फ्लैग रजिस्टर, हायर बाइट एक्यूमुलेटर. यानी फ्लैग्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम जंप करता है माइक्रो प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे. जंप इंस्ट्रक्शन नॉर्मली क्या होता है, एक ही प्रोग्राम के अंदर होता है कि अगर जंप करना है तो उसी प्रोग्राम के कोई और लोकेशन पे जाएंगे. मान लीजिए कि हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, हम एडिशन विद कैरी कर रहे हैं तो उस एडिशन में अगर माइक्रो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को हमें एक लोकेशन से जंप करना है तो वो उसी कंप्लीट प्रोग्राम में कहीं दूसरी लोकेशन पे जंप करेगा. कभी भी वो दूसरे किसी और प्रोग्राम में, जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम है तो ऐसा नहीं कि उस जंप होकर कोई सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम में जंप कर जाएगा, सेम प्रोग्राम के अंदर ही किसी और लोकेशन पे जंप का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है. नेक्स्ट देखिए, इसके टाइप्स देखेंगे हम कि कंडीशनल जंप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. फर्स्ट देखिए, टोटल हमारे पास 5 फ्लैग हैं. हम 4 फ्लैग्स को ही इसमें यूज करते हैं. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को हम कंडीशन चेक करने के लिए यूज नहीं करते. कैरी फ्लैग यूज करते हैं, पैरिटी फ्लैग यूज करते हैं, साइन फ्लैग यूज करते हैं और जीरो फ्लैग यूज करते हैं. तो दोनों की 2 कंडीशन होती है, एक तो सेट एक रीसेट. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 8 कंडीशन बनती हैं. फर्स्ट कंडीशन है, इसका फॉर्मेट है JC 16 बिट एड्रेस जंप इफ कैरी. अगर कैरी जनरेट हुई है, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो जो आगे लोकेशन दी गई है, जैसे 2035 दी गई है, JC 2035, यानी इससे जस्ट पहले अगर हमारी कैरी फ्लैग को चेक करेंगे, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो एग्जीक्यूशन जंप हो जाएगा 2035 पे, अदरवाइज नहीं होगा. यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब ही जंप होगा. अनकंडीशनल में क्या होता है, विदाउट किसी कंडीशन हमेशा एग्जीक्यूशन जंप हो जाता था उस 16 बिट एड्रेस पे जो कि सामने दिया गया था ऑपरेंड में. जेसी जंप इफ कैरी, यानी कैरी की वैल्यू 1 है तो जंप करो, नहीं तो नहीं करो. JNC जंप इफ नो कैरी, यानी कैरी नहीं है तो जंप करो, यानी कैरी की वैल्यू 0 है तो जंप करो, अदरवाइज मत करो. थर्ड है JP जंप इफ पॉजिटिव, यानी हमारा अगर किसी ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है, बीच में आता है JP 16 बिट एड्रेस, यानी इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम अब तक का जो रिजल्ट आया है अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव है तो जंप करना. यानी पॉजिटिव का मतलब क्या है, साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है. जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो साइन की वैल्यू 0 होती है, जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो साइन की वैल्यू 1 होती है. यानी अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो जंप करना है, अदरवाइज नहीं करना है. सेकंड कंडीशन हो गई JM जंप इफ माइनस, यानी साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है. माइनस का मतलब होता है अगर नंबर माइनस है तो साइन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी. अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो जंप करना है, नहीं तो नहीं करना है. नेक्स्ट देखिए JZ, JZ का मतलब क्या होता है, जंप इफ 0, कि अगर 0 है, यानी 0 का मतलब क्या है, टोटल रिजल्ट 0 है, यानी 0 फ्लैग सेट है. यदि 0 फ्लैग सेट है तो जंप करेंगे, अगर 0 फ्लैग रीसेट है तो नहीं करेंगे. नेक्स्ट है JNZ कि जंप इफ नॉन 0, अगर नॉन 0 है, यानी अगर हमारा 0 फ्लैग रीसेट है तो जंप करेगा एग्जीक्यूशन, अदरवाइज नहीं करेगा. नेक्स्ट है JPE जंप इफ पैरिटी इवन, कि यदि पैरिटी इवन है, पैरिटी फ्लैग की वैल्यू आपको पता होगा, पैरिटी नहीं नंबर ऑफ वंस, अगर नंबर ऑफ वंस इसमें इवन है तो जंप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. पैरिटी फ्लैग सेट कब होता है, जब किसी रिजल्ट में अगर एक की संख्या सम हो तो क्या होता है, सेट होता है, अगर विषम हो तो वो रिसेट होता है. तो JPE का मतलब होता है जंप पैरिटी इवन, यानी अगर हमारा पैरिटी फ्लैग सेट है, इवन है तो जंप करना है, अगर ओड है, रिसेट है तो जंप नहीं करना. JPO जंप इफ पैरिटी ओड, ये नेक्स्ट कंडीशन लास्ट वन, कि अगर पैरिटी फ्लैग की वैल्यू ओड है तो जंप करना है, अदरवाइज जंप नहीं करना है. ये हो गए हमारे जंप इंस्ट्रक्शंस के. हमने अभी तक पढ़ लिए हैं जंप इंस्ट्रक्शंस, अब हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि जंप इंस्ट्रक्शंस किसी प्रोग्राम में कैसे अप्लाई किए जाते हैं. एक एग्जांपल लिया है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI B87H, यानी हमें बी के अंदर इमीडिएट वैल्यू 87 को मूव करना है, यानी बी बराबर 87H हो जाएगा. नेक्स्ट है MOV A, B, यानी बी की वैल्यू को ए में मूव करना है, तो ए बराबर भी 87H हो जाएगा, बी बराबर भी 87H हो जाएगा. नेक्स्ट एक इंस्ट्रक्शन है JMP नेक्स्ट, इसका लेबल है स्टार्ट, ठीक है.
जे एम पी लेबल इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एड्रेस दिए जाते हैं कि मेमोरी में किस जगह पे इंस्ट्रक्शन सेव है, तो अभी हम लेबल से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जब हमें जंप करना होगा तो उस समय इंस्ट्रक्शन की जरूरत, सॉरी एड्रेस की जरूरत होगी, तो हम स्टार्ट लिख देंगे उस एड्रेस की जगह। जंप नेक्स्ट, अब देखो यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ, इसका मतलब ये नेक्स्ट जो ये इंस्ट्रक्शन है ना, ये कोई एड्रेस होगा यहाँ 16 बिट का, मान लीजिए 2050 एड्रेस है, तो ये जंप 2050 लिखा जाना है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हमने शुरू से ही इंस्ट्रक्शन के कोई एड्रेस नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट एक लेबल दे दिया है, उसी लेबल को हमने यहाँ लिख लिया है। जे एम पी विद अनकंडीशनल जंप है, जे एम पी 16 बिट एड्रेस, ये 16 बिट एड्रेस इस नेक्स्ट का एड्रेस होगा। तो अनकंडीशनल जंप जैसे ही आता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से जंप होके अब प्रोग्राम कहाँ से परफॉर्म होने लगेगा, इस जगह से, नेक्स्ट जो ये एड्रेस है इससे। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा एक्स आर ए बी, यानी हमें एक्सोर करना है ए और बी को, रिजल्ट को किसमें सेव करना है, ए के अंदर। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो जब वैल्यू सेम है तो एक्सोर का रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। 87 को 87 के साथ एक्सोर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 00H। ये हमारी हो गई एक्यूमुलेटर का रिजल्ट या एक्यूमुलेटर की वैल्यू। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब जेपी, अब देखिए कभी भी वापस नहीं जाएगा इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करके, एक्सआरए इस जगह से सीधा आगे चलता रहेगा इंस्ट्रक्शन, कभी भी वापस उस लोकेशन पे नहीं जाएगा एमवीआई पे, अनटिल अनलेस कोई जंप फिर से हमने इंसर्ट करें यहाँ पे दूसरा जंप का इंस्ट्रक्शन। अब देखिए एक्सआरए बी हो गया, नेक्स्ट है जेपी स्टार्ट जंप इफ पॉजिटिव। जेपी का मतलब जंप इफ पॉजिटिव, यानी अगर पॉजिटिव है तो जंप करो, अदरवाइज मत करो। और कहाँ पर जंप करना है, स्टार्ट पे, स्टार्ट ये लेबल है, यानी इस लोकेशन पे जंप करना है। ये 16 बिट का एड्रेस लिखा जाएगा जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक 16 बिट का एड्रेस देंगे, ठीक है, जो कि ये एड्रेस होगा, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। जंप इफ पॉजिटिव कौन सा जंप है, कंडीशनल जंप है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जंप करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो जंप पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिए हम पॉजिटिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, साइन फ्लैग की वैल्यू D7 बिट के हिसाब से डिसाइड होती है। अगर D7 बिट 0 है तो पॉजिटिव है, अगर D7 बिट 1 है तो नेगेटिव है। अभी हमारी D7 बिट 0 है, MSB जो होती है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, जंप करेंगे, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जंप इफ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है तो जंप करना है। कहाँ जंप करना है, स्टार्ट पे, यानी यहाँ पे जंप करना है। अब फिर से प्रोग्राम यहाँ से शुरू होने लग जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद अब एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होने लग जाएगी। फिर आ गया जंप नेक्स्ट, फिर से इस लोकेशन पे नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा, यानी ये प्रोग्राम लूप में चलता रहेगा। अब यहाँ पे अब देखिए, अब हमारी ए और बी को फिर से एक्सोर करना है, ए की वैल्यू 00 एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 87H। तो फिर से जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू चेक करेंगे, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 है तो जंप करेगा, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 87 का मतलब 100 एंड 0111, उसको हम किसके साथ एक्सोर करेंगे, 00 के साथ, तो MSB हमारी 1 हो जाएगी। उस केस में MSB 1 हो जाएगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट चलता रहेगा, आउटपुट आ जाएगा पोर्ट 2 के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये था अनकंडीशनल जंप एंड ये है कंडीशनल जंप, जबकि कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारा रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कॉल इंस्ट्रक्शन, सेम फॉर्मेट होता है जितने भी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, हमें साथ में एड्रेस देना होता है जहां पे हमें जंप करना होता है या जिस ब्रांच पे हमें इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना होता है। अब देखिए कॉल 16 बिट एड्रेस अनकंडीशनल जंप कॉल है। अनकंडीशनल कॉल का मतलब विदाउट किसी कंडीशन के वो ब्रांच या वो इस जो एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन सेव है उस जगह से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई 16 बिट एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड। यहाँ पे जो 16 बिट एड्रेस होगा यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होने लग जाएगा। सेम जंप की तरह है, बहुत कम अंतर है जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन में। जंप में क्या होता है, सेम ही जैसे हमने इससे पहले देखा था, एक ही प्रोग्राम में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे एग्जीक्यूशन जंप करता है और जंप के बाद कभी भी ओरिजिनल लोकेशन पे रिटर्न नहीं करता। कॉल इंस्ट्रक्शन में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम कॉल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें एक मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम करना है, तो कंप्यूटर में मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, वाया एडिशन होता है, तो हमें मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें एडिशन के प्रोग्राम को बीच में कॉल करना पड़ेगा। दो नंबर्स को ऐड करें तो हम उसको डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 3×2 करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 बार ऐड कर लेंगे, 3+3,
यानी हमें एडिशन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, फिर बड़ा नंबर लेते हैं 3 × 5 करना है, यानी हमें 3 को 5 बार ऐड करना है, 3 + 3, फिर जो उस रिजल्ट को फिर 3 में ऐड करो, फिर उस रिजल्ट को फिर 3 ऐड करो, यानी हम 3 को 5 बार ऐड कर रहे हैं। तो उस केस में हमें मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें एडिशन के प्रोग्राम को कॉल करना होगा, यानी एक प्रोग्राम मल्टीप्लीकेशन को हो गया, एक प्रोग्राम हमने अलग से एडिशन का बना दिया, और उसी प्रोग्राम को हम कॉल कर लेंगे हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। उस जो जिस प्रोग्राम को कॉल करते हैं उसको बोलते हैं सब रूटीन, और जिसको और जिसमें हम कॉल करते हैं हमारे उसको बोलते हैं मेन प्रोग्राम। कॉल करने के लिए हमें उसका स्टार्टिंग एड्रेस पता होना चाहिए, उस एड्रेस से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और फिर जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा तो उसके लास्ट में लिखा रहता है रिटर्न, चाहे वो कंडीशनल रिटर्न हो चाहे अनकंडीशनल रिटर्न हो। कॉल के बाद हमेशा रिटर्न इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिससे कि प्रोग्राम फिर से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे से परफॉर्म होने लग जाता है। यानी हमें कॉल में क्या याद रखना है, जब भी माइक्रो प्रोसेसर कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी लोकेशन है 2050, यानी नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो कौन सी लोकेशन से आएगा, 2051। अब 2050 पे लिखा हुआ है कॉल 3000, यानी हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें 3000 लोकेशन से लाना है, 3000 पे एग्जीक्यूशन चला जाएगा, वो प्रोग्राम परफॉर्म होने के बाद उसके लास्ट में लिखा रहेगा रिटर्न। और रिटर्न का मतलब ये है कि अब हमें ओरिजिनल लोकेशन पे 2051 पे रिटर्न करके हमारे प्रोग्राम को रिज्यूम करना है, उसी लोकेशन से फिर से शुरू करना है। तो वो 2051 एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा, तो क्या होता है जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन होता है तो माइक्रो प्रोसेसर में उस समय जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है उसको हम स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं, क्योंकि एक साथ दो बाइट पुश की जाती है, तो 16 बिट का एड्रेस हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया, और जब हम रिटर्न करते हैं तो उसको स्टैक से पॉप करके फिर से प्रोग्राम काउंटर के अंदर ले लेते हैं। बिफोर द ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर कॉल, कॉल के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे मैंने बताया ना 2050 पे अगर कॉल है तो 2051 वाला एड्रेस जो कि उस समय प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू रहेगी इज पुश्ड इनटू द स्टैक, उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाता है, फिर हम रिटर्न करते हैं तो उसको पॉप कर लेते हैं, हमें फिर से वो एड्रेस मिल जाता है, वहां से प्रोग्राम कंटिन्यू चलने लग जाता है। कॉल भी सेम कंडीशनल और अनकंडीशनल होते हैं। अनकंडीशनल में डायरेक्ट कॉल 16-बिट एड्रेस होता है, कंडीशनल में हम वही 8 कंडीशंस चेक करेंगे जो हमने जंप में चेक करी थी। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16-बिट एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड फ्लैग ऑफ द PSW, कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के फ्लैग की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कंडीशन चेक करके कॉल करेंगे। बिफोर द ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द कॉल द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, उस वैल्यू को हम हमेशा स्टैक में पुश करते हैं कॉल के केस में, जंप के केस में कभी भी नहीं करते क्योंकि हमें रिटर्न नहीं करना होता, लेकिन कॉल में हमें रिटर्न की आवश्यकता होती है ओरिजिनल लोकेशन पे, जिसको रिटर्न एड्रेस बोलते हैं, उस लोकेशन पे हमें वापस आना होता है, इसलिए हमें वो एड्रेस पता होना चाहिए कि हमें कौन सी लोकेशन पे वापस आना है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू तो वो वैल्यू हो जाएगी जहां पे हमें जंप कॉल करना होगा, तो इसलिए हम उस वैल्यू को जहां पे रिटर्न करना है उसको हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे, और जब रिटर्न करेंगे ना कॉल वाले सब रूटीन से तो हम फिर से उसको पॉप कर लेंगे प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ये हमारे कॉल के इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट है CC कॉल इफ कैरी, यानी अगर कैरी है सेट है तो हमें कॉल करना है, अदरवाइज नहीं करना, ये कंडीशनल है, कंडीशन चेक करके कॉल करते हैं। नेक्स्ट है CNC कॉल इफ नो कैरी, यानी अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ही हमें कॉल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सेम CP कॉल इफ पॉजिटिव, अगर हमारे साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है या हमारा जो भी रिजल्ट वो पॉजिटिव है तो कॉल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। CM कॉल इफ माइनस, यानी साइन फ्लैग सेट है तो कॉल करो, अदरवाइज नहीं करें। CZ कॉल इफ 0, अगर रिजल्ट 0 है यानी 0 फ्लैग की वैल्यू सेट है तो कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। CNG कॉल इफ नॉन 0, अगर सॉरी 0 फ्लैग की वैल्यू रीसेट है तो हम कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। CP कॉल इफ पैरिटी इवन पैरिटी पे कॉल करेंगे, और इस केस में CP यानी ओड पैरिटी पर कॉल करेंगे। इस तरीके से हमारे कॉल के इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होते हम कॉल इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये हमने पढ़ लिए हैं कि कंडीशनल कॉल क्या होते हैं। एक बार अब ये समझ लीजिए प्रोसीजर कैसे होता है कॉल का। कॉल में क्या होता है कि एक मेन प्रोग्राम होता है, एक सब रूटीन प्रोग्राम होता है। जब भी कॉल इंस्ट्रक्शन होता है जो मेन लाइन प्रोग्राम के सीक्वेंस जो कंटिन्यू चलता रहता है, कॉल आते उस सीक्वेंस को छोड़ के सब रूटीन प्रोग्राम से हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने लग जाते हैं। कॉल के और सब रूटीन के एंड में हमेशा रिटर्न इंस्ट्रक्शन दिया जाता है,
जो कि वापस उस लोकेशन पे जाएगा जहां से हमारा प्रोग्राम चल रहा था। जब ये इंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उस समय हमारी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ये होगी, इसलिए जाने से पहले इस वैल्यू को हमें स्टैक के अंदर पुश करना होता है। ये देखिए, ये मेन प्रोग्राम है, ये सब रूटीन प्रोग्राम है। इस मेन प्रोग्राम में इस सब रूटीन ए को दो बार कॉल किया गया है। जैसे ही सब रूटीन कॉल होती है, यानी उसका एड्रेस दिया जाता है कि इस लोकेशन पे जाना है, कॉल दिस एड्रेस, जो कि ये एड्रेस होगा 16 बिट का, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही ये सब रूटीन खत्म होगी, उसके लास्ट में दिया जाएगा रिटर्न। रिटर्न के साथ ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस जगह पे वापस आ जाएगा जहां से हम जंप गए थे, उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे वापस रिज्यूम हो जाएगा। अब ये इस लोकेशन पे कैसे आएगा, क्योंकि जाने से पहले जो ये वैल्यू, ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी, क्योंकि जब यहाँ इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस समय प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है जो कि ये वैल्यू होगी, और इस वैल्यू को हम स्टैक के अंदर पुश करके जाएंगे और वापस रिटर्न के टाइम इस वैल्यू को पॉप करके फिर से यहाँ से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। सेम इस केस में होगा, कॉल सब रूटीन ए यहाँ पे जाएगा और रिटर्न के बाद तुरंत इस लोकेशन पे वापस आ जाएगा। अब देखिए किस तरीके से हम पुश करते हैं स्टैक में। मान लीजिए एक मेन प्रोग्राम में जो 2000 लोकेशन पे लिखा हुआ है कॉल 4000, यानी इस इंस्ट्रक्शन में 2000 लोकेशन पे जब हम ये कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2003। तो जैसे ही कॉल 4000 आएगा तो प्रोग्राम को कहाँ जाना पड़ेगा, 4000 लोकेशन पे। जाने से पहले जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है उसको स्टैक के अंदर पुश कर जाएंगे। ये अब उस समय स्टैक की वैल्यू ये होगी स्टैक पॉइंटर की। जैसे ही पुश करेंगे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, लोअर वैल्यू लोअर एड्रेस पे, हायर वैल्यू हायर एड्रेस पे। इसको हम स्टैक के अंदर पुश कर गए, उस अब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो ग्रीन लाइन से शो हो रही है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अब प्रोग्राम काउंटर की नई वैल्यू 4000 हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 4000 लोकेशन से आएगा, जैसे ही वो सब रूटीन खत्म होगा उसके एंड में लिखाएगा RET रिटर्न। रिटर्न के साथ कभी भी एड्रेस नहीं देते, तो रिटर्न होते ही क्या करेंगे, जो स्टैक की वैल्यू है, टॉप टू वैल्यूज हैं, उनको फिर से प्रोग्राम काउंटर के अंदर पॉप कर लेंगे। यानी जो अब जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएंगी वो फिर से हो जाएंगी 2003, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा आने लग जाएगा 2003 से, ठीक है। आई होप आप लोगों को कॉल इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। जंप और कॉल में इतना ही अंतर है कि जंप में हम एक बार जंप कर जाते हैं तो वापस कभी भी नहीं आते मेन प्रोग्राम में, कॉल में हमेशा रिटर्न दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का RET। रिटर्न भी दो टाइप के होते हैं, कंडीशनल रिटर्न और अनकंडीशनल रिटर्न। रिटर्न के साथ कभी भी कोई एड्रेस नहीं दिया जाता, सिर्फ RET लिखा जाता है, क्योंकि कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से हमने कॉल किया था उससे जो नेक्स्ट एड्रेस होगा उस जगह पे हमेशा रिटर्न होगा, जो कि वैल्यू कहाँ से लेंगे, स्टैक से, ठीक है, स्टैक को पॉप करके। RET ऑपरेंड, कोई ऑपरेंड नहीं है, रिटर्न अनकंडीशनली। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम, की सब रूटीन से वापस अब कॉलिंग प्रोग्राम में आ जाएगा। द टू बाइट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक आर कॉपीड इनटू प्रोग्राम काउंटर, की हमने जो पहले वैल्यू पुश करी थी अब उन दो वैल्यूज को हम पॉप कर लेंगे प्रोग्राम काउंटर में, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उस एड्रेस से स्टार्ट हो जाएगा। रिटर्न भी कंडीशनल रिटर्न भी हो, सेम तरीके से हमारे पास 8 कंडीशनल रिटर्न होंगे। द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब रूटीन टू द कॉलिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड फ्लैग ऑफ द PSW। अनकंडीशनल में हम सिर्फ रिटर्न करते हैं विदाउट कंडीशन चेक करें। इसमें हम कंडीशन चेक करेंगे फ्लैग्स की, कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिटर्न करेंगे, नहीं तो नहीं रिटर्न करेंगे। और रिटर्न करते वक्त एड्रेस कहाँ से लेंगे, स्टैक के टॉप की टू वैल्यूज को प्रोग्राम काउंटर के अंदर पॉप करेंगे। ये हमारे कंडीशनल रिटर्न। RC यानी रिटर्न इफ कैरी, यानी कैरी फ्लैग सेट है तो रिटर्न करें। RNC रिटर्न इफ नो कैरी, यानी कैरी फ्लैग रीसेट है तो ही रिटर्न करें। RP रिटर्न इफ पॉजिटिव, यानी साइन फ्लैग जीरो है। RM रिटर्न इफ माइनस, यानी साइन फ्लैग सेट है, वन है तो रिटर्न करें। RZ रिटर्न इफ जीरो, यानी अगर हम जीरो फ्लैग सेट है तो रिटर्न करें, अदरवाइज नहीं करें। RNG रिटर्न इफ नॉन जीरो, अगर जीरो फ्लैग रीसेट है तो रिटर्न करें। RP रिटर्न इफ पैरिटी इवन, और RPO रिटर्न इफ पैरिटी ओड, इवन पैरिटी पे रिटर्न करें, ओड पैरिटी पे रिटर्न करें। यानी पैरिटी फ्लैग की वैल्यू अगर सेट है, इवन के केस में सेट होती है तो रिटर्न करें, इस केस में अगर ओड है तो रिटर्न करें, ठीक है। ये हमारा हो गया रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। अभी हमने पढ़ लिए जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल और रिटर्न। नेक्स्ट हमारा है रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन RST। RST हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 80-85 में दो टाइप के इंटरप्ट्स आप पढ़ेंगे, एक होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इंटरनली प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, एक प्रोग्राम होता है उसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं, जिनका ISR एड्रेस है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो एड्रेस होता है वो फिक्स लोकेशन होती है, ये वेक्टर्ड होते हैं, उनकी एक फिक्स लोकेशन होगी। जैसे ही RST, मान लीजिए RST 0 परफॉर्म हुआ, तो जो एक फिक्स लोकेशन है
वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, उस लोकेशन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने लगेगा। ठीक है, ये वन बाइट के इंस्ट्रक्शन है जो कि यूजुअली क्या करते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह, जंप की तरह ही होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, आरएसटी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये हैं, इनको ध्यान रखना। ये जो हम इंस्ट्रक्शंस अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। आरएसटी 0 से 7 टोटल 8 हैं, आरएसटी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। द आरएसटी इंस्ट्रक्शन जंप्स द कंट्रोल ऑफ वन ऑफ 8 मेमोरी लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। और इनकी लोकेशन कैसे डिफाइन होती है वो अभी जब आप लोग इंटरप्ट पढ़ोगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे कि आरएसटी 0 का मतलब कौन सी लोकेशन है, 1 का मतलब कौन सी लोकेशन। वो याद बाई हार्ट करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि लोकेशन किस तरीके से निकाली जाती है। दीज आर यूज एज सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू वन ऑफ द 8 लोकेशन, कि वो फिक्स 8 लोकेशन में से किसी भी लोकेशन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करने के काम आते हैं। ये इनके एड्रेस हैं, आरएसटी 0 का एड्रेस है 0000। कैसे निकालते हैं, 0 को 8 से गुणा करो और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। आरएसटी 1 को 8 से गुणा करो और हेक्साडेसिमल में बदलो। आरएसटी 2 को 8 से गुणा करो, 8 दुनी 16 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं 0010। आरएसटी 3 को 8 से गुणा करो, 8 24 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं 0018। 24 में 16 का भाग देखना, 16 बचे 8 को हम लिख देंगे, तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल, इसमें आपको एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है, निकल जाते हैं डायरेक्टली। आरएसटी 4 तो 4 को 8 से गुणा करो और उसका हेक्साडेसिमल में बदलो तो वो उसका रिस्टार्ट एड्रेस आ जाएगा। ये फिक्स है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो कोई जिनको कि रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इसी के साथ हमारे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस खत्म होते हैं। हमने टोटल 4 टाइप के ब्रांच इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, जंप, कॉल, रिटर्न एंड रीस्टार्ट। ठीक है, जंप हमेशा अकेला यूज होता है, जंप विद इन सेम प्रोग्राम यूज होते हैं, एक बार जंप कर जाते हैं तो वापस रिटर्न नहीं करते हैं। कॉल के साथ हमेशा रिटर्न दिया जाता है, और तीनों जंप, कॉल एंड रिटर्न के साथ कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों टाइप के होते हैं। कंडीशनल में क्या होता है, 4 फ्लैग्स हैं, उनकी टोटल 8 कंडीशंस बनती है, उनको सेटिस्फाई करते हैं तो ही जंप या रिटर्न या कॉल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसी के साथ हमारे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस खत्म होते हैं। थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स।